हेलो गाइज, कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी लेकर के आई हूँ बचे हुए चावल से, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं। फिर मैंने 3 कटोरी के लगभग यहाँ पे चावल मेरा बच गया था, जिसे मैं यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए यूज कर रही हूँ, जो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने चावल को सबसे पहले ग्राइंडर जार में डाल दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने ओनियन को कट किया है, टमाटर कट किया है, रवा 5 चम्मच के लगभग लिया है, बेसन भी मैंने 5 ही चम्मच लिया है। खान वाली स्पून से आप ले लें। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने चावल को ग्राइंडर जार में डाल दिया। इसमें 2 मिर्ची आप ऐड करें। उसके बाद में आप टमाटर धनिया की पत्ती डाल करके, आप इसे थोड़ा सा पानी डाल करके, लहसुन या अदरक आप इसमें डाल सकते हैं या दोनों भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर लहसुन की 4-5 कलियाँ डाली है, जिससे और भी इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है। तो चलिए इसे हम लोग ग्राइंड कर लेते हैं। 1 से 2 चम्मच पानी डाल करके आप ग्राइंड कर लें, आसानी से ग्राइंड हो जाता है। और अब इसमें आप देख सकते हैं मैंने यहाँ ग्राइंड कर लिया है। बड़े से बर्तन ले, उसमें डाल करके अच्छे से आप इसमें रवा बेसन ऐड करें, धनिया की पत्तियाँ डाल दें और कुछ मसाले सूखे ऐड करें। इसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच के लगभग आप आवश्यकता अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं। और इसमें आप लाल मिर्च पाउडर ऐड करें, धनिया ऐड करें, आमचूर पाउडर आप इसमें डालें और सारे मसाले इसमें सूखे डालें। तीखे अपन के लिए लाल मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें और चाट मसाला 1 से 1.5 चम्मच डालें, जिससे इसका टेस्ट और भी चौगुना हो जाता है। लास्ट में आप इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करें। सारे इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से मिक्स करें, बड़ा बर्तन रखें, जिससे अच्छे से मिक्स करने में बने। और इतना टेस्टी यम्मी ये रेसिपी होती है कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें। रवा को फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए 10 मिनट के लिए आप इसे रेस्ट पर छोड़ दें। उसके बाद में आप इसे फिर से मिलाएं, जिस तरह से मैंने यहाँ पर मिलाया है उस तरह से आप भी इसे मिलाएं और अच्छे से रेस्ट पे रहने दें। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने तेल गर्म किया। मात्र 2 से 3 चम्मच तेल में आपका ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगा। बच्चों को तो इतना पसंद है कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग ज़रूर एक बार इसे ट्राई करें। इतने टेस्टी यम्मी होते हैं और इतने जल्दी बन जाते हैं कि मैं क्या कहूँ आप लोगों से। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करें, हल्का सा सीख जाए। उसके बाद में आप इस पर धीमा फ्लेम रखें और इस पर आप ओनियन और धनिया की पत्ती से इसे सजाए और इसे हल्का सा गोल्डन होने पर पलट दें, ताकि प्याज में कच्चापन ना रहे और प्याज भी अच्छे से सीख जाए, जिससे और भी टेस्टी और यम्मी बन जाएगा ये। इस तरह से गोल्डन होने पे ध्यान रखें कि आप गैस की फ्लेम को धीमा ही रखें, तेज ना रखें, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, जो खाने में बहुत ही बेकार लगेगा। अब इस तरह से आप लोग भी इसे उलट पलट करके गोल्डन होने तक सच पकाए और इसे सर्व करें। कच्चा प्याज अगर टेस्टी लगता हो तो ऊपर से डाल करके प्याज से डेकोरेट करें और खाएँ। धनिया की चटनी मैंने यहाँ पे बनाई, जिसके साथ आप सर्व करें। थैंक यू।